इलेक्ट्रिकल फैन का ब्लेड्स है, जो फैन है उसका ब्लेड्स है, उसकी लेंथ है, ठीक है। चलो एक फैन बना लेते हैं, वैसे जरूरी नहीं है बट यही कि बना ही लेते हैं। ये जो फैन है उसका ब्लेड्स है वो ओमेगा से रोटेट कर रहा, लेंथ सर्कल में जो ब्लेड्स है वो पूरा फैन रोटेट करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा, पर उसका जो ब्लेड्स है वो एक सर्कल में ऐसे घूमेगा यार, सर्कल में ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो लेंथ, इसका लेंथ 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है मतलब 0.3 मीटर है, ठीक है, 0.3 मीटर है। मेजर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द 20 रिवोल्यूशन, कितना 120 रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन 120 है तो 120 रिवोल्यूशन पर मिनट है यार, तो 120 रिवोल्यूशन पर सेकेंड जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, तो यह जाएगा 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो रेडियस कितना आ गया यार, रेडियस आ गया 0.3 मीटर और फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। द एक्सलेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ टिप ऑफ द पॉइंट, पॉइंट ऑफ टिप, ये जो पॉइंट ऑफ टिप लास्ट पॉइंट है उसका एक्सलेशन निकालना है। तो एक्सलेशन क्या होता है, एक्सलेशन सर्कुलर, ये जो लास्ट पॉइंट है वो सर्कल में चल रहा है, हर पॉइंट सर्कल में चल रहा है, सेंटर ऑफ मास यहाँ से देखोगे तो, ठीक है। तो एक्सलेशन होता है बी स्क्वायर ओवर आर या आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, या आर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी स्क्वायर आर, ठीक है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी कितना यार, 2, और ये आ जाएगा 0.3 का, 0.3 फ्रीक्वेंसी 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 से अधिक आएगा, 20, इसको सॉल्व करो देखो 47 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन सही है, 47.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो टिप है, जो हाईएस्ट वाला पॉइंट है उसका एक्सलेशन जो है इतना आएगा। अगर दूसरे पॉइंट का जो एक्सलेशन देखोगे, दूसरा पॉइंट अलग सर्कल में, ये जो फैन का ब्लेड्स है वो ये छोटे सर्कल में मूव कर रहा होगा, तो इसका आर कम होगा, ठीक है, आर ओमेगा, हाँ उसका ओमेगा सभी पार्टिकल कॉन्स्टेंट होता है, तो उसका लेंथ कम है तो एक्सलेशन भी कम होगा, ठीक है ना। अब जो सेंटर भी है जिसका जीरो जो एक्सिस पर है, जो यहाँ पर है, उसका तो एक्सलेशन जीरो हो जाएगा, आर जीरो है उसका एक्सलेशन जीरो, अलग अलग है पर हर पॉइंट का ओमेगा सेम होता है, ठीक है। सर्कुलर रोटेशन पढ़ोगे तब ज़्यादा